आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2012 में रिलीज हुई सलमान खान की फ़िल्म एक था टाइगर के बारे में, और इससे जुड़ी कुछ अनसुनी सच्ची बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक था टाइगर फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 15 अगस्त 2012 को और इस फिल्म को टोटल 3300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। फिल्म के लीड रोल में हमें नज़र आए थे सलमान खान और कैटरीना कैफ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी आदित्य चोपड़ा ने और इस फिल्म को म्यूज़िक दिया था सोहेल सेन एंड साजिद बाजिद ने। अब बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 92 करोड़ रुपये का और इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 198 करोड़ रुपये का और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था लगभग 335 करोड़ रुपये का और ये बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। साथ ही में सन 2012 में पहले नंबर पर थी। सन 2012 में दूसरे नंबर पर थी दबंग 2, तीसरे नंबर पर थी राउडी राठौर, चौथे नंबर पर थी जब तक है जान और पाँचवें नंबर पर थी अग्निपथ। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.5 की आईएमडीबी रेटिंग मिली हुई है और इस फिल्म को 68% गूगल यूज़र्स ने पसंद किया है। अब बात करते हैं इस मूवी को मिले हुए अवार्ड्स की। तो इस मूवी ने टोटल 7 अवार्ड जीते थे जिसमें 5 अवार्ड जीते थे इसने पीपल्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया और 1 अवार्ड जीता था आईफा अवार्ड्स और 1 अवार्ड जीता था बिग स्टार इंटरटेनमेंट्स अवार्ड। पीपल्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया में फेवरेट मूवी एक्टर का अवार्ड मिला था सलमान खान को, फेवरेट मूवी एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कैटरीना कैफ को, फेवरेट एक्शन मूवी एक्टर का अवार्ड मिला था सलमान खान को, फेवरेट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था माशाल्लाह गाने पर, आईफा अवार्ड में बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का अवार्ड मिला था और बिग स्टार इंटरटेनमेंट अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस इन एन एक्शन रोल का अवार्ड मिला था कैटरीना कैफ को। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़ी कुछ अनसुनी सच्ची बातों की। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म के एक सीन में सलमान खान कैटरीना कैफ की पेंटिंग बनाते हैं और सच में वो पेंटिंग सलमान खान ने खुद ही बनाई थी। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म में सलमान खान के आधे से ज़्यादा स्टंट्स को फ्रेंच स्टंटमैन जावेद अल बर्नी ने किया था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में कैटरीना कैफ के स्टंट को उनकी बॉडी डबल ने किया था। फैक्ट नंबर 4, ये फिल्म सलमान खान और कैटरीना कैफ की ब्रेकअप के बाद में पहली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 5, ये फिल्म सलमान खान की रणवीर शोरे और गिरीश कर्नाड की साथ में पहली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 6, ये फिल्म सलमान खान की यशराज प्रोडक्शन के साथ में पहली फिल्म थी जबकि कैटरीना कैफ की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले कैटरीना कैफ ने यशराज प्रोडक्शन के साथ न्यूयॉर्क फिल्म में काम किया था। फैक्ट नंबर 7, सलमान खान से पहले ये रोल शाहरुख खान को ऑफर हुआ था लेकिन डेट्स ना होने के कारण शाहरुख खान ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के लिए सलमान खान ने 50 करोड़ रुपये की फ़ीस ली थी। तो ये थी एक था टाइगर फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी सच्ची बातें। अगर आपको किसी और मूवी का अननोन फैक्ट या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।